हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई मंदीप पाटीदार। हम बात कर रहे हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस डी फॉर्म सेकेंड ईयर में। सो हम इसमें सभी जो हमारा चैनल है एडो फॉर्म, डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म, धीरे धीरे हम सबके बारे में बात करेंगे, बी फॉर्म के बारे में, एम फॉर्म के बारे में, डी फॉर्म के बारे में। अभी हमारा डिप्लोमा चल रहा है, डिप्लोमा में हम अभी तक हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में बात कर चुके हैं, कुछ फार्माकोलॉजी हमने स्टार्ट किया। अब आज हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। आप काफ़ी लोग इसको पढ़ना चाहते थे, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस को। मैं कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से, और भी कोई अदर क्यूरी हो या आप किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पर चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मदद कर सकूँ। जूरिस्प्रूडेंस की फर्स्ट यूनिट के बारे में हम बात करेंगे आज, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया एंड इट्स स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। क्या स्कोप, क्या ऑब्जेक्टिव और क्या फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है इंडिया में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस होता है क्या है? जूरिस्प्रूडेंस इज द थ्योरी और फिलोसॉफी ऑफ लॉ। आपको ये समझ के रखना है कि ये क्या है, एक थ्योरी है या इसको हम फिलोसॉफी भी बोल सकते हैं। किसकी? लॉ की। जो हमारे रूल्स हैं, लॉ है, जो नियम है उसकी थ्योरी है, ठीक है। क्यों, कौन कौन से कानून, मतलब नियम के साथ इसको हम बोल सकते हैं कानून, लॉ। जो हमारे लॉ है, जो कानून है उसकी थ्योरी है, फिलोसॉफी को हम बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंट और लीगल थ्योरी इज द थियोरिटिकल स्टडी ऑफ लॉ। कानून की जो है, जो हमारा कानून है उसकी लीगल थ्योरी, थियोरिटिकल स्टडी जिसको हम बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस। स्कॉलर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस सीक्स टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लॉ इन इट्स मोस्ट जनरल फॉर्म एंड प्रोवाइड टू डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल रीजन, लीगल सिस्टम, लीगल इंस्टीट्यूशन एंड द रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी। सबसे मुद्दे की बात आती है, ये सब चीज़ें क्यों बनती हैं, हमको क्यों ज़रूरत है। एक तो इसका गहरा अध्ययन, किसका? लीगल रीजनिंग, हर पीछे के कानूनी रीज़न क्या है, लीगल सिस्टम क्या है, लीगल इंस्टीट्यूशन क्या है और सोसाइटी में जो कानून है उसका रोल क्या है, इन सबको हम पता करते हैं किस में, जूरिस्प्रूडेंस में। अब बात कर लेते हैं हम फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया का हमारा टॉपिक है, तो लेजिस्लेशन क्या होता है, हमको भी लेजिस्लेशन समझना है। लेजिस्लेशन मतलब लॉ इंटेंडेड फॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लॉ क्यों बनाता है, कानून क्यों बनता है? रेगुलेशन, रेगुलेट करने के लिए। किस चीज़ को? जो आपकी लाइफ है उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए एक कानून की व्यवस्था, एक सिस्टम चाहिए ना। विदाउट सिस्टम तो कोई भी कुछ करेगा तो क्या सब चीज़ें सही होगी? इसलिए कानून बनता है, एक सिस्टम बनता है कि इस सिस्टम के आधार पर हमारे यहाँ काम होगा। दीज एस्पेक्ट्स माइट बी सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। अब ये जो लॉ है ये किस तरह के हो सकते हैं, या ये एस्पेक्ट है लॉ के वो किस तरह के हो सकते हैं? या तो सोशल हो सकते हैं, इकोनॉमिकल कंसिडरेशन होता है, साथ ही साथ पॉलिटिकल कुछ हो सकते हैं। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की यदि बात करें तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इज अ मिक्स्ड लेजिस्लेशन ऑफ विच ओवरलैपिंगली कवर बोथ सोशल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन जो है वो क्या करता है कि आपका जो सोशल है और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है दोनों को ओवरलैप करता है। कैसे भाई? एक फार्मासिस्ट है, वो क्या करता है, कम्युनिटी में काम करता है, उस कम्युनिटी के बेनिफिट्स के लिए काम करता है, तो ये क्या हो गया, आपका सोशल वर्क हो गया। वहीं पर आपको इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी देखना है कि ऐसा नहीं है कि कोई मेडिसिन 500 रुपए की एक टेबलेट पेशेंट ले पाएगा क्या, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर उसका सोशल एज वेल एज इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स दोनों रहते हैं। किसमें? फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन में। अब फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों बनाया गया है, क्या जरूरत आन पड़ी इसकी? मतलब टू इंश्योर दैट द पेशेंट रिसीव्स ड्रग ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी, टेस्टेड एंड इवोल्यूटेड फॉर द सेफ्टी एज वेल एज इफिकेसी फॉर देयर इंटेंडेड यूज। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इसलिए बना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि भाई आप इंश्योर करें पेशेंट जो ड्रग रिसीव कर रहा है वो प्रॉपर क्वालिटी की हो, उसकी टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से हो, उसका इवोल्यूशन है जो सेफ्टी प्रोफाइल का, उसकी इफिकेसी जो है वो टेस्टेड की गई हो, जो कि यूज इंटेंडेड टू यूज, जो उसके यूज के लिए बनी हुई है, जो दवाई यूज के लिए बनी है उसकी क्वालिटी टेस्टेड हो, उसकी क्वालिटी हो, उसका इवोल्यूशन प्रॉपर हुआ सेफ्टी और इफिकेसी का। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इज एसोसिएटेड विद द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन किससे जुड़ा हुआ है? सोसाइटी की हेल्थ से। अब बात कर लेते हैं हम ओरिजिन की। अब ओरिजिन कब हुआ? तो इन 1811
फर्स्ट केमिस्ट शॉप ओपन्ड बाय मिस्टर बदगेट बोल सकते हैं, कोई बटगेट बोलता है, आपको देख लेना है। हु केम टू इंडिया विथ ईस्ट इंडिया कंपनी इन कलकत्ता। 1811 में पहली केमिस्ट शॉप कलकत्ता में खुली। किसने खोली? मिस्टर बटगेट ने। ये कहाँ से आए थे? ये ईस्ट इंडिया के कंपनी के साथ आए थे। इन 1910 दे हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चर ऑफ टिंचर एंड स्प्रिट। 1910 में इनने क्या किया? 1811 में फर्स्ट केमिस्ट शॉप खुली, 1910 में इनने सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, काई की टिंचर और स्प्रिट की। अब इन 1821 अनादर फर्म स्मिथ स्टेन स्ट्रीट एंड कंपनी स्टार्टेड एपोथेक्री शॉप एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन 1918। 1821 में एक दूसरी शॉप खुली, कौन सी? स्मिथ स्टेन स्ट्रीट एंड कंपनी, और इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कब स्टार्ट करी? 1918 में, मतलब 1918 में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करी। जिस तरह की फर्स्ट केमिस्ट शॉप 1811 में खुली और 1910 में उन्होंने टिंचर और स्प्रिट बनाया, उसीलिए दूसरी शॉप जो खुली वो 1821 में खुली और इन्होंने कब मैन्युफैक्चरिंग करी? 1918 में। इन 1901 बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स अ स्मॉल फैक्ट्री वाज स्टार्टेड इन कलकत्ता बाय आचार्य पीसी रे। आचार्य पीसी रे ने 1901 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स के नाम से एक कंपनी खोली। इन 1903 प्रोफेसर टी के गज्जर ओपन्स स्मॉल फैक्ट्री एट पेरेल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल यूनिट एंड एलेम्बिक केमिकल वर्क लिमिटेड एट बड़ौदा। 1903 में एलेम्बिक केमिकल वर्क्स लिमिटेड बड़ौदा में खुली। किसने खोली? डी टी के गज्जर साहब ने। दीज यूनिट्स वर नॉट सफिशियंट टू फुलफिल द नीड ऑफ इंडियन पब्लिक। ये जो यूनिट्स थी, ये जो इंडियन पब्लिक की दवाइयों की नीड थी वो पूरी नहीं कर पा रही थी। हेंस मोस्ट ऑफ द मेडिसिन वर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, मेनली यूके, फ्रांस एंड जर्मनी। सो उस समय क्या होता था, ज्यादातर जो मेडिसिन थी वो हमको क्या करना पड़ती थी? इंपोर्ट करना पड़ती थी। इन फर्स्ट वर्ल्ड वार द नीड वॉज इम्प्रूव। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तब मेडिसिन की जरूरत बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई। डिमांड ऑफ इंडिजियस ड्रग वॉज ऑल्सो इम्प्रूव। जो डिमांड थी इंडिजियस जो ड्रग थी हमारी, उसकी डिमांड बहुत हाई हो गई। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, डिमांड ज्यादा है, कंपटीशन है, सप्लाई अनहेल्दी एंड इंडियन मार्केट फ्लूडेड विथ इंफीरियर सब स्टैंडर्ड एंड इवन हार्मफुल। इस सिचुएशन में क्या हुआ कि बहुत सारा इंफीरियर सब स्टैंडर्ड माउंट और नकली दवाइयां मार्केट में उतार दी गई। उसके बाद इसलिए क्या हुआ, एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन हुआ। ड्रग इंक्वायरी कमेटी की यदि बात करते हैं तो किसने अपॉइंट किया? अपॉइंटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1931। 1931 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया जिसको हम बोलते हैं ड्रग इंक्वायरी कमेटी। कमेटी चेयरमैन वाज लेट कर्नल आर एन चोपड़ा। कारण चोपड़ा को उसका कमेटी का चेयरमैन बनाया। आल्सो कॉल्ड एस डीईसी और चोपड़ा कमेटी, इसको चोपड़ा कमेटी भी बोलते हैं या डीईसी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी भी हम आज कहते हैं। द कमेटी वाज आस्क टू मेक इंक्वायरीज इन द सेड मैटर एंड देन टू मेक रिकमेंडेशन फॉर स्मूथ कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरर इंपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेल एंड ड्रग इन इनहेरेंट टू पब्लिक हेल्थ। ये पब्लिक हेल्थ के लिए काम करती है, किस चीज पे काम करती है? स्मूथ कंट्रोल हो, रिकमेंडेशन इसके जो रहते हैं, कंट्रोल रहता है मैन्युफैक्चरिंग पे, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इन सब पे ये क्या करती है आपका, इसके रिकमेंडेशन देते हैं, ये इनको देखती है। अब 90 रिकमेंडेशन, या हम बात कर सकते हैं डीईसी के क्वेश्चन आ सकता है कि डीईसी के रिकमेंडेशन क्या क्या है, तो 90 रिकमेंडेशन विद रिपोर्ट वाज सबमिटेड बाय द कमेटी। 90 रिकमेंडेशन है, इसमें हम मुख्य मुख्य रिकमेंडेशन की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन क्या है? पहला, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल विच वर्क लुक आफ्टर द एडुकेशन ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल और स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन करना है जो एडुकेशन और ट्रेनिंग और प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में
देखेगी, काउंसिल वुड मेंटेन द रजिस्टर कंटेनिंग नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर फार्मासिस्ट। अब ये जो काउंसिल बना दी जाएगी, मतलब ये स्टार्टिंग में डीईसी जब बना था उसमें रिकमेंडेशन दी 90, उसमें से फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या था या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन की हम बात कर रहे, तो पहली रिकमेंडेशन ये थी कि भैया आप पहले क्या करो, सेंट्रल और स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाओ। और इसका काम क्या रहेगा, ये एडुकेशन देगा लोगों को, ट्रेनिंग देगा और प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करेगा। अब ये काउंसिल क्या करेगी, ये काउंसिल एक रजिस्टर मेंटेन करेगी जिसमें जो रजिस्टर फार्मासिस्ट है उसके एड्रेस मेंटेन रहेंगे। क्रिएशन ऑफ ड्रग कंट्रोल मशीनरी या डिपार्टमेंट एट द सेंटर ऑफ ब्रांच इन ऑल स्टेट। अब ऑल जो सेंट्रल ब्रांच है उस पर आप क्या करोगे, ड्रग कंट्रोल मशीनरी या ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट करोगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए वेल इक्विप्ड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का आप एस्टेब्लिशमेंट करो विथ कॉम्पिटेंट स्टाफ एंड एक्सपर्ट फॉर इफिशियंट एंड स्पीडी वर्क ऑफ द ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिससे आपका जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसका काम इजीली हो जाए। स्मॉल लेबोरेटरी वुड वर्क अंडर इट्स गाइडेंस, जो छोटी लेबोरेटरी है वो इसके गाइडेंस में काम करेगी। डीईसी कब हुआ, 1931 में उसने बोला पहले पहले तो फार्मेसी काउंसिल बनाओ, एक सेंट्रल की बनाओ, फिर स्टेट की अलग अलग बनाओ, उसके बाद क्या है आप अलग अलग ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाओ, उस ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के बाद आप वो क्या बोल रही है कि एक सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी बनाओ और उसके अंडर में छोटी छोटी लेबोरेटरी काम करेगी। इस तरह से उन्होंने रिकमेंडेशन दिए, नहीं फिर ड्रग बिल दिया। ड्रग बिल क्या होता है, एक ड्रग बिल की बात कर लेते। बिकॉज ऑफ द रिलक्टेंट अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ डीईसी, पब्लिक प्रेशराइज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन, डीसी का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था, तो जो पब्लिक है उसने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया। इस प्रेशर के कारण अल्टीमेटली इन 1937 इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली टू कंट्रोल द इंपोर्ट ऑफ ड्रग। जब डीसी की रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं किया गया प्रॉपरली, मतलब फॉलो तो किया गया लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो उस समय पब्लिक ने बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया। और इस प्रेशर क्रिएट करने के कारण 1931 में क्या हुआ, एक बिल पास हुआ। उस बिल में क्या हुआ, जो है इंपोर्टेड जो ड्रग थी उसके लिए, उसके कंट्रोल के लिए एक बिल पास हुआ। हाउएवर द मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग वर नॉट इंक्लूडेड इन बिल। अब इस बिल में क्या हो, 1937 में उन्होंने एक बिल बना दिया कि जो आपका जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ड्रग उसके बारे में एक बिल बना दिया, कौन सी ड्रग इंपोर्ट होगी क्या रहेगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में या डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर या सेल को लेकर कोई बिल अभी तक हमारे यहाँ बना नहीं। कमिटी फोर्स द गवर्नमेंट इन इंक्लूड ऑल द एस्पेक्ट्स। अब जो डीईसी थी वो बार बार गवर्नमेंट को फोर्स कर रही कि भाई इसके बारे में भी कुछ देखो ना। एज अ रिजल्ट इन 1940 ड्रग बिल वॉज अगेन इंट्रोड्यूस इन असेंबली। इन सब के कारण, इन सब प्रेशर के कारण क्या हुआ, 1940 में एक ड्रग बिल पास हुआ असेंबली में। ड्रग बिल भी 1940 वॉज पास। अब जैसे ही असेंबली में गया उसके बाद ड्रग बिल 1940 में पास हो गया। इट कम इन टू फोर्स एज ड्रग एक्ट 1940। अब ये जब आया फोर्स में तो इसको किस नाम से आया, ड्रग एक्ट 1940। अब आपसे कोई पूछता ड्रग एक्ट कब आया, तो 1940 आपको याद रखना कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। लेटर ऑन इट्स वॉज अमेंडेड वास्ट टाइम्स एंड एट प्रेजेंट एट एक्ट कर्व प्रीवियस रिलेटेड टू द ड्रग कॉस्मेटिक आयुर्वेदिक यूनानी एंड होम्योपैथिक मेडिसिन। बार बार ये चेंज करता होता रहा, जब जब जरूरत लगी अमेंड होता रहा मतलब, और उसके साथ कॉस्मेटिक आयुर्वेदिक यूनानी प्रिपरेशन होम्योपैथी मेडिसिन को देखता रहा। द प्रेजेंट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ ड्रग एक्ट 1940। जो आपका वर्तमान का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है यह पुराने समय का ड्रग एक्ट 1940 का ही प्रेजेंट रूप है या इंप्रूव्ड वर्जन जो बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंट्रोल इंपोर्ट मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। अभी जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो इसका ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव यह है टू कंट्रोल इंपोर्ट, इंपोर्ट को कंट्रोल करना, मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करना, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना और सेल्स ऑफ ड्रग को कंट्रोल करना है कॉस्मेटिक्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड मेनी रूल्स फॉर द सेम ऑफ presented in as drug and cosmetic act, cosmetic rules 1945 में जो drug and cosmetic rules आया है उसमें central government ने अपने अपने जो दिए हैं rules
मैंने काफी सारे रूल दिए, दिस एक्ट एज रूल्स वर अमेंडमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ये एक्ट जो है बार बार टाइम टू टाइम अमेंड होता रहा। अदर इम्पोर्टेंट एक्ट, और इम्पोर्टेंट एक्ट क्या है साथ में वो बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे इसके स्कोप और इन सब की, कि फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का, तो स्कोप में ही आ जाएगा कि उसने हमको कितने सारे एक्ट दिए, उन सब एक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हो। अब इम्पोर्टेंट एक्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1947, 1947 में आप हम जब आजाद हुए उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे एक्ट रिकमेंड हुए किसके थ्रू, डीसी के थ्रू। तो सबसे पहले क्या बात कर लेते हैं हम, फार्मेसी एक्ट 1948 आया, द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आया 1954, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 एंड रूल्स 1956, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डीपीसीओ जिसको बोलते हैं 1979 एंड चेंज एक्ट 1987, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की बात करें तो ये एक्ट आ गया आपका 1985 में। मिसलेनियस एक्ट, अब ये मिसलेनियस एक्ट और भी जो एक्ट हैं, जैसे हमारे इंडस्ट्री एक्ट आया 1951, इंडस्ट्रीज इंप्लीमेंट एक्ट 1946 में आया, फैक्ट्री एक्ट 1948, इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1970 में आया, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट क्या आ गया 1958। इस तरह से बहुत से एक्ट आए हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट की बात कर ली हमने, मिसलेनियस एक्ट की बात कर ली। तो हम अभी जो बात कर रहे थे फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस की, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हमारा फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया, इट्स स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और स्कोप्स की बात कर ली है। और अब हम जुरिस्प्रूडेंस भी बीच बीच में कंटिन्यू करते रहेंगे, अदर सब टॉपिक भी लेके आएंगे। और यदि आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक की ज़रूरत है या जिसकी मैं मदद कर सकता हूँ तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आपकी मदद कर सकूँ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।